नमस्कार, अफसरनामा में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी और इस वक्त बालाघाट के एसपी के रूप में काम कर रहे समीर सौरभ। समीर सर, आपका स्वागत है बंसल न्यूज पर। अफसरनामा की शुरुआत में सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करूंगा वो रहेगा मेरा आपकी जर्नी पर। मैं जानना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई। धन्यवाद बंसल न्यूज़ का इस ये अवसर देने के लिए। मेरा मैं झारखंड को बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म हज़ारीबाग में हुआ है और शुरुआती शिक्षा मैंने 12th तक की पढ़ाई सेंट जेवियर्स हज़ारीबाग से की। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के लिए 93 गया और वहाँ से फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद सिविल सर्विसेज में। आप अपने अतीत की तरफ जब देखते हैं, अपने शुरुआती दिनों को देखते हैं, तो क्या आपके मन में ये था कि आपको एक दिन यूपीएससी फाइट करनी है या फिर करियर की संभावनाएं आप दूसरे क्षेत्रों में देखते हुए अचानक इस पड़ाव पर आए? नहीं, बिल्कुल ये बिहार, झारखंड, यूपी ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जब हम लोग छोटे थे, मैं और मेरा छोटा भाई, तो ऐसा परिवार की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं था, पर पिताजी ज़रूर चाहते थे कि हम लोग सिविल सर्विसेज में आएँ। आईएएस आईपीएस का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए, मुझे लगता है बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। तो पर जब हम लोग तैयारी जब हम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, उस समय कभी मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगा। इसलिए हम लोगों ने मैंने खासकर प्राइवेट सेक्टर में मतलब इंजीनियरिंग की, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में लगभग 4.5 साल मैंने जॉब किया। तो डेफिनेटली जो आपका प्रश्न है कि बचपन से जो सपना है वो मैंने शुरू में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी सिविल सर्विसेज में आऊँगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो आपके पेरेंट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरे पिताजी राज्य सरकार में, झारखंड राज्य सरकार में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई विभाग के पद पर रह के रिटायर हुए। मेरी माता गृहिणी हैं और मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है जो अभी सिंगापुर में जॉब कर रहा है, छोटी बहन है जो जिसकी शादी हो चुकी है और वो अभी गुजरात में। पुलिस अधीक्षक के तौर पर ये आपकी पहली पदस्थापना है, बालाघाट जैसा ज़िला आपको मिला है, नक्सल प्रभावित ज़िला है मध्य प्रदेश का, बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसके पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही? एमपी कैडर अलॉट होने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग एज प्रोबेशनर रीवा में थी, थाना प्रभारी, और जो बेसिक थाने की वर्किंग हम लोग सीखते हैं वो रीवा में थी। उसके बाद लगभग 4-5 महीने के लिए मैं उज्जैन में पदस्थ रहा है सीएसपी, जिसके बाद फिर अगेन अराउंड 1 साल के लिए ग्वालियर में सीएसपी के पद पे रहा। एडिशनल एसपी के तौर पे मेरी पोस्टिंग छतरपुर में रही और उसके बाद 10वीं बटालियन सागर में लगभग 1 वर्ष कमांडेंट के तौर पर रहा और 2 महीने हॉक फोर्स में था बालाघाट में। आप झारखंड से होते हुए मध्य प्रदेश के सुदूर बसे इस ज़िले में अभी काम कर रहे हैं, आपका जो ध्येय था वो आपको यहाँ तक ले आया, लेकिन बहुत से युवा हैं इस वक्त जो स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप क्या मंत्र देंगे, वो किस तरह से एक लक्ष्य स्थापित कर सकें और उस लक्ष्य को पाने के लिए किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? जैसे आपने बताया कि झारखंड से मध्य प्रदेश के एक सुदूर एरिया में हूँ मैं, मुझे कल्चरली कोई डिफरेंस ऐसा लगता नहीं है। झारखंड में भी सेम समस्याएं हैं, बिहार में भी लगभग लार्जली वही समस्याएं हैं और मध्य प्रदेश के भी कुछ इन क्षेत्रों में लगभग सेम समस्याएं हैं। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने जो मूल मंत्र देखा है वो है कि मतलब मेहनत का कोई तोड़ नहीं और मेहनत हर चीज़ का तोड़। मैंने शुरू से, हम लोग काफ़ी सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे, पर जो बेसिक फैमिली वैल्यूज़ हैं वो हमें इम्पार्ट की गई हमारे पेरेंट्स के द्वारा। सही और गलत में फ़र्क बताया गया क्या है और ये भी बताया गया कि आप अगर मेहनत करें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जब मैं बीटेक करने के बाद मैं लगभग 4.5 साल मॉर्गन स्टैनली में मुंबई में कार्यरत था, जिस दौरान मेरी शादी भी हुई, उसके बाद फिर
जब मैंने अपने आप को ये देखा कि मैं अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, मतलब उस समय मेरी उम्र लगभग 28-29 वर्ष की थी, तो एक वो एक ऐसा टाइम था जब मैं चाहता था एक डिसीजन लेने अपने लाइफ को लेकर। हर चीज़ सेट होने के बावजूद, एक प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी वो सेटिस्फैक्शन मुझे लग रहा था कि नहीं। और फिर जब मैंने अपनी वाइफ से इसको डिस्कस किया तो बहुत पॉजिटिवली उन्होंने इसको लेते हुए हम लोग, मैं जॉब छोड़ कर दिल्ली आ गया, वहाँ पे तैयारी शुरू की। सिविल सर्विसेज एक ऐसा फील्ड था जो मेरे पूरे परिवार में एक कोई ऐसा नहीं जो सिविल सर्विसेज में हो, पर कुछ दोस्तों से बात करके, कुछ इंटरव्यूज़ देखकर, लोगों से प्रेरणा लेकर दिल्ली में रहा मैं, और 4th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैंने तो ये देखा है कि अगर आप किसी एक ध्येय को अपने दिमाग में बिठा लें और सिर्फ उसके लिए काम करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपको सक्सेस मिलेगा। UPSC एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक्सट्रीम अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, एक्सट्रीम। अगर आप मेहनत भी करें तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिले, लेकिन ये जर्नी इट्सेल्फ इतना फ्रूटफुल है, UPSC की तैयारी करना ही इतना फ्रूटफुल है कि आप अपने देश के बारे में अवेयर होते हैं, अपने परिवेश के बारे में अवेयर होते हैं, आप अपने देश की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानते हैं, लोगों से आपका कनेक्ट बढ़ता है, संविधान के बारे में जानते हैं। तो मैंने तो अपने, जैसा मैंने बोला, मेरे पास शेयर करने के लिए अपनी जर्नी है, और मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे जी जान से लगें तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, आप बिल्कुल विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने एक स्थापित नौकरी को छोड़कर एक संकल्प लिया और उस दिशा में आप आगे बढ़ें, और इसमें आपको वक्त भी लगा। आपने बताया कि आपने 4th प्रयास में ये सफलता हासिल की, यानी मेरा मानना है कि लगभग 4 साल का वक्त आपने दिया। आप इस बीच कई बार टूटे, कई बार हारे, फिर खड़े हुए, फिर खुद को हौसला दिया, फिर आगे बढ़े। बिल्कुल, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपना जर्नी शेयर करूँ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का। तो 1st अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, पर मुझे पता था कि मैं अगर थोड़ा और मेहनत करूँ तो इसको अचीव किया जा सकता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल अजेय है, ये ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप जीत नहीं सकते। और फिर 2nd और 3rd में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा और 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इसे अपना सपना मानते हैं कि मुझे IAS IPS बनना है, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि वो है परसीवरेंस। आपको अपने आपको लगातार डटे रहने की आप में क्षमता होनी चाहिए, और सिर्फ डटे ही नहीं रहना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना भी। आपको कंटिन्यूसली ये देखना है कि मेरे पिछले प्रयास में क्या क्या कमियां रह गई थी। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने देखा है दिल्ली में, जो कि लंबे समय से लगे हुए हैं। मैं खुद का भी उदाहरण दूँ तो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं दिल्ली में जिनका सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, बट संभवतः जो मैंने किया और हो सकता है वो लोग कुछ लोग नहीं कर रहे हों, वो है कि आप अपनी गलतियों को, पिछले प्रयास की गलतियों को ज़रूर टैबुलेट करें, देखें कि मैंने क्या क्या मिस किया। जब मार्क्स आती है UPSC की तो देखें कि अच्छा, मुझे इस सब्जेक्ट में कम नंबर आए, इसमें मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपकी स्ट्रांग हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं, वो आपको पता है कि मैं थोड़ा मेहनत करूँगा तो इसमें सेम लेवल कंटिन्यू कर सकता हूँ, परंतु वो सब्जेक्ट्स जो आपको लग रहा है कि नंबर आपके कम आ रहे हैं, उसमें आपको स्ट्रैटेजी बना के कंटिन्यूस एफर्ट और अपने परफॉर्मेंस को अपडेट करना और उसको चेक करना, चाहे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हो, चाहे किसी अच्छे मेंटर के माध्यम से हो, वो आपको रेगुलरली अपने आप को एसेस करते रहना पड़ेगा। क्योंकि एक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपके बगल के कमरे वाला आपसे ज़्यादा पढ़ेगा तो वो सिलेक्ट होगा, आप नहीं होंगे सिलेक्ट। तो इट्स बेसिकली ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट आपको हार्डवर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि 20 साल 22 साल 23 साल की उम्र में युवा निर्णय लेते हैं कि उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपने 28-29 साल की उम्र में निर्णय लिया, आप विवाहित भी हो चुके थे उस वक्त। आपकी बेटर हाफ का कितना योगदान है इस जर्नी में? कोई इंसिडेंट, कोई वाकया बताना चाहेंगे अगर शेयर करना चाहें तो? वाकई तो अभी डेफिनेटली, पहले तो आपका प्रश्न का जवाब दूंगा कि मेरी वाइफ वंदना का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत ही बड़ा। मुझे लगता है कि
क्योंकि मैं और वंदना दिल्ली में अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे। वहाँ पे हमारे मतलब कि पेरेंट्स की भी अपनी समस्याएं थी, जिसके कारण कंटिन्यूसली वो लोग वहाँ नहीं रह सकते थे। तो दो रूम का कमरा था जिसमें वो रहते थे वहाँ पे। जिस तरह का सपोर्ट मुझे लगा वंदना का मिला, उसके बिना ये चीज़ अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एग्ज़ाम्पल आपको दूँ तो दो कमरे में एक कमरा मैं था जिसमें मैं पढ़ता था, दूसरे में हम लोग हमारा बेड वगैरह था, वहाँ रहते थे, बाकी सारी चीज़ें थी, गृहस्थी थी, एक छोटा सा किचन था। रात में लेट तक पढ़ता था तो वंदना उस समय तक जगी रहती थी जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान है। और वाक्यों की बात करें तो उसके भी बहुत सारे किस्से हैं। जब हम लोग मुंबई से शिफ्ट किए तो उस समय वंदना प्रेग्नेंट थी, 1 साल बाद मेरी बेटी निमिषा का जन्म हुआ। तो चूंकि इतना ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, मैं एटलीस्ट इस तरह से तैयारी करता था कि मैं चाहता था मेरे तैयारी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन का एलिमेंट रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है कि परिवार के साथ पढ़ना मुश्किल होता है। छोटी बच्ची है तो हर आदमी चाहता है कि मैं बच्चों को टाइम दूँ, परिवार को टाइम दूँ। बट मुझे पता था कि जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। तो उनके साथ, बच्ची के साथ खेलने का भी मेरा टाइम फिक्स था कि मैं इस समय से इस समय तक इतना टाइम दे पाऊँगा। हम लोग साथ शाम में का फ्री टाइम था तो मुझे याद है दिल्ली में 4th फ्लोर पे हमारा घर था, दिल्ली की गर्मी फेमस है, 4th फ्लोर मतलब टॉप फ्लोर। तो हम लोग सामान लाने के लिए जाते थे, मतलब फिक्स टाइम था, शाम में सब्जियाँ वब्जियाँ लाने गए, फिर वो लेके ऊपर आए। और इस तरह के काफ़ी वाक्य हैं, बहुत ज़्यादा है, जो कि यानी स्ट्रगल के उन तमाम रास्तों से होकर आप गुजरे हैं जो मंजिल की ओर बढ़ते हैं। मैं वापस आपकी ड्यूटी की तरफ लौटूंगा। आप झारखंड से हैं, वहाँ पर भी आदिवासी बाहुल्य राज्य है। मध्य प्रदेश की जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं यहाँ पर भी सामाजिक ताना बाना कुछ उसी तरह का है। आपने बताया कि आप हॉक फोर्स में भी रहे हैं और बालाघाट में ही रहे हैं, जंगलों की आपने खाक छानी है, आदिवासियों के बीच आप घूमे हैं। उनकी कौन सी बेसिक समस्याएं हैं जिनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए, चाहे प्रशासन की तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे समाज की तरफ से हो? वो किस तरीके की जीवन शैली जी रहे हैं और वापस एक तरीके से समाज की मुख्य धारा के रूप में काम करने के लिए वो आप लोगों के प्रयास और किस तरीके के होने चाहिए? इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा जो ऑप्शनल था पिछले 2 अटेम्प्ट्स में वो एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ट्राइबल कल्चर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जनरली एक अजम्पशन ये रहता है कि ट्राइबल कल्चर को हमें मेन स्ट्रीम में लाना है। ट्राइबल कल्चर जो है, एक माना था इट्स एन इन्फीरियर कल्चर। एक जनरल अजम्पशन ये रहता है लोगों का कि ये तो ट्राइबल कल्चर है, एक इन्फीरियर कल्चर है, जो हमारा कल्चर इट इज़ मोर सुपीरियर। तो सबसे पहले तो ये एक जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ है, इसको मैंने, जैसे मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी में आपका बहुत होराइजन वाइड होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी और इसके जो फेमस राइटर्स हैं उनकी किताबें पढ़ के मुझे समझ में आया कि ट्राइबल कल्चर इनफैक्ट इज़ मोर सुपीरियर टू आवर कल्चर। दे आर मच मोर क्लोजर टू नेचर। उनको वो नेचर के साथ रहने के लिए उनका कल्चर बना हुआ है, उस तरह से रहते हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि हमें ये प्रयास करना है कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए जो आधुनिकता के फायदे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे आवागमन के क्षेत्र में हो, चाहे आईटी के क्षेत्र में हो, उन तक पहुंचाए जाएं। क्योंकि उन सुविधाओं का उद्देश्य उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। हमारा ये प्रयास ना रहे कि हम लोग उस कल्चरल आइडेंटिटी को सब्ज्यूम करें, हम लोग बताएं कि नहीं, अब आपकी आइडेंटिटी उठा के हम बताएंगे कि आपको कैसे जीना है, ये बिल्कुल गलत है। पर अगेन, जो उनकी मूलभूत समस्याओं की आप बात करते हैं, मुझे लगता है आदिवासियों की का सबसे बड़ा चैलेंज है, आदिवासी लोगों के रहने का सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी कि बहुत रिमोट में, लगभग आप झारखंड देखें, मध्य प्रदेश के क्षेत्र देखें, छत्तीसगढ़ देखें, ये सभी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर
हम लोग सड़क अभी हमारी नहीं बन पाई है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, वहाँ का टेरेन बहुत टफ है, जिसके कारण आप अभी ये प्रश्न कराए कि सड़क क्यों नहीं बन पाई, तो टेरेन बहुत टफ है, मतलब ऐसा नहीं कि आप रातों रात सड़क वहाँ बना सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ तो वहाँ आवागमन, आवागमन के उचित साधन या सड़कें उचित नहीं होने के कारण वहाँ पे स्कूल नहीं बन पाते, बन पा रहे हैं तो टीचर्स नहीं जाना चाहते, वहाँ पे अस्पताल बने हैं तो डॉक्टर्स नहीं जा पाते। ऐसा नहीं कि वो जाना नहीं चाह रहे, पर उनको उस क्षेत्र तक पहुँचने के लिए 4 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा, जो वही सफ़र वो शहर में संभवतः आधे घंटे में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज हमारे लिए ये है कि उनको उनके घर तक मूलभूत समस्या, मूलभूत सुविधाएं हम लोग कैसे उपलब्ध कराएं, ये एक सबसे बड़ा हमारा टारगेट है। किसी भी युवा आईपीएस के लिए बालाघाट में काम करना हमेशा से एक, हो सकता है रोमांच भी होता है और चैलेंज भी होता है, तो उसी रोमांच का अनुभव आप कर पा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक के तौर पर आप यहाँ काम कर रहे हैं, और हमने देखा है कि पहली पदस्थापना पुलिस अधीक्षक के तौर पर बालाघाट ही होती है। नक्सल समस्या का जिक्र ना हो आपसे बातचीत के दौरान ऐसा हो नहीं सकता, और इस वक्त मध्य प्रदेश में नक्सलियों के दावे, नक्सलियों की समस्याएं सुर्खियों में हैं। आदिवासी क्षेत्रों का हमने जिक्र किया, बालाघाट ज़िला चूँकि छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ है, मध्य प्रदेश से भी लगा हुआ है, इस वक्त नक्सल समस्या की क्या स्थिति है? ख़ासतौर पर कान्हा नेशनल पार्क से सटे हुए इलाकों में भी उनका मूवमेंट बढ़ा है, तो इसको लेकर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? जो आपने शुरू में ऑब्जर्व किया, डेफिनेटली बालाघाट की पोस्टिंग है किसी भी आईपीएस के लिए फर्स्ट एज फर्स्ट पोस्टिंग एक ड्रीम है। यहाँ पे हर वो चीज़ है जो एक एसपी के तौर पे पहली पदस्थापना में किसी भी अधिकारी को चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और सबसे इम्पॉर्टेंट नक्सल समस्या। तो डेफिनेटली मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि पहली पोस्टिंग मेरी बालाघाट में, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अभी तक जो अधिकारी यहाँ रहे उन्होंने जो ऊंचे मापदंड सेट किए हैं उन पे मैं खरा उतर सकूं। जहाँ तक वर्तमान परिवेश की बात है, नक्सल समस्या अभी कैसी चल रही है, तो ये कहना उचित होगा कि पिछले कुछ समय में, मुझे लगता है कि पिछले एक वर्ष में या पिछले 8 महीने में यहाँ पर नक्सलियों की संख्या में संख्यात्मक कुछ वृद्धि हुई है, इनके मूवमेंट में वृद्धि हुई है। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी घटनाएं नहीं कर रहे हैं, इनको उन्होंने हमेशा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडला को अपने पनागाह के रूप में इस्तेमाल किया है। छत्तीसगढ़ में घटनाएं कारित करने के बाद, गढ़चिरौली में घटनाएं कारित करने के बाद ये लोग इस एरिया में आते हैं ताकि ये अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकें। इन्होंने कभी पुलिस के साथ इंगेज नहीं किया फायरिंग में। हमने जितनी भी सफलताएं हासिल की है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना इंटेल और हमारे सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी, जान में जान को जोखिम में लेने की क्षमता, उसके आधार पे हमने सफलताएं हासिल की है। हमेशा बालाघाट मंडला में नक्सली बैकफुट पे ही रहे, थ्रू आउट रहे और अभी भी हैं। बस क्या है कि अभी वर्तमान में ये लोग कान्हा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रेजेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी भी तैयार की है और उस पर कंटिन्यूस काम चल रहा है। वो समय मुझे लगता है बहुत जल्दी कान्हा से भी इनको खदेड़ने में हम लोग सफल रहे। जिस जगह पर हम बैठकर ये सारी चर्चा कर रहे हैं, जिस ज़िले में हम हैं इस वक्त, ये मध्य प्रदेश का बेहद संरक्षित इलाका है। इतना खूबसूरत जंगल मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो तकरीबन 125 बाघ इस ज़िले में इस वक्त घूम रहे हैं। जो एक्सटिंक्ट प्रजाति कभी हुआ करती थी बारहसिंगा, उसे वापस सहेजा गया है। हिरणों की अगर बात करें तो हमारे दर्शक ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि लगभग 40,000 हिरणों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर विचरण कर रही हैं। कुदरत ने इतना कुछ यहाँ पर दिया है, लेकिन वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से पहलू हैं जिनमें कमी के चलते विकास के नक्शे पर उस तरीके से ये ज़िला नहीं है जैसा होना चाहिए? ये इन क्षेत्रों में विकास अगर मैं मानता हूँ कि कम हुआ है, जैसा आप कह रहे हैं कम हुआ है, या फिर मैंने शुरू में बताया कि जिस रफ्तार से या जो पहुँच हमारी अंदर तक होनी चाहिए नहीं हो पाई है, उसका मूल कारण नक्सलवाद की समस्या मैं मानता हूँ। आप देखेंगे आदिवासी बहुत भोले होते हैं, बहुत भोले। यहाँ पर जो बैगा आदिवासी हैं, गोंड हैं, ये सभी, इनको भ्रमित करना नक्सलियों के लिए बहुत आसान है। इनको ये बताना कि भाई तुम्हारे साथ ये व्यक्ति अन्याय कर रहा है, बहुत आसान है उनके लिए।
इस कारण क्या होता है कि नक्सली गांवों में इनको डरा कर, धमका कर, इनको लगातार इन पर प्रेशर बनाकर प्रशासन के विरुद्ध भड़काते हैं। अभी आप देखें तो जिन एरियाज में हम सड़क नहीं बना पाए हैं, जिन एरियाज में हम स्कूल नहीं बना पाए हैं, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है कि जब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ काम करते हैं तो उनको धमकाया जाता है नक्सलियों द्वारा, उनसे वसूली का प्रयास किया जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर्स या अन्य लोग काम करने में डरते हैं। हमने जितनी भी अभी रोड्स बनाए, आप देखेंगे बालाघाट फिर भी बहुत अच्छा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्शन रोड्स का बहुत अच्छा है। कारण है कि हम लोगों ने खड़े होकर रोड्स बनाए हैं, पुलिस हॉक फोर्स के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, सुरक्षा सीआरपी के जवानों ने, जो लोग यहाँ पदस्थ रहे उन्होंने पूरे, हमने पूरे जिस एरिया में रोड बन रही है, हमने घंटों दिन भर वहाँ पे हमने पुलिस फोर्स प्रेजेंस करके वहाँ पे रोड्स बनवाई है। तो विकास की रफ्तार या गति या प्रभाव कम होने का सबसे बड़ा वजह मैं मानता हूँ कि नक्सलियों की जो नक्सलियों का जो प्रयास है, पावर एट द बैरल ऑफ गन जो उनकी स्ट्रेटजी है, और जो लगातार गांव वालों को, भोले भाले आदिवासियों को प्रताड़ित करना, उनके नाम पर बताना कि भाई नक्सल की आदिवासियों के साथ शासन दुर्व्यवहार कर रहा है और पक्षपात कर रहा है, इस तरह का एजेंडा, गलत एजेंडा फैलाना, मेन मुझे लगता है कि ये कारण है। पुलिस अधीक्षक के तौर पर एक आप बड़ी टीम को लीड करते हैं, बड़े जवानों का अमला आपके मार्गदर्शन में काम करता है, और जिन दुर्गम इलाकों में वो काम करते हैं ऐसे में उनका मोराल बनाए रखना, आंधी तूफान बारिश गर्मी में भी वो मोर्चा लेते हैं, तो एज अ टीम लीडर आपका अप्रोच क्या होता है? डेफिनेटली मुझे लगता है कि बालाघाट में जिस तरह की दुर्गम परिस्थितियों में हॉक फोर्स के जवान, एसएएफ के जवान, जिला बल, सीआरपीएफ, ये लोग सभी काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा, बहुत चैलेंजिंग है, एक्सट्रीम चैलेंजिंग, अपनी जान को जोखिम में डाल के एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। एज अ टीम लीडर आपने ऐसा बताया, एक ओपन चैनल में विश्वास करता हूँ मैं जब जिस कैंप में विज़िट करता हूँ तो एक बार सभी से बात करता हूँ कि आप लोग कहाँ से हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं, आपको कहीं पे, कुछ लोग बताते हैं कि हमें वहाँ पे, मैं ग्वालियर से हूँ, मुझे अभी वहाँ पे घर नहीं मिला, मेरे परिवार वहाँ पे, तो वहाँ के पुलिस, संबंधित पुलिस अधीक्षक से हम लोग बात करते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि जवान जब यहाँ ड्यूटी कर रहा है तो दिमाग बिल्कुल उसका फ्री रहे, चाहे वो परिवार की समस्याओं को लेकर है, माता पिता की समस्याओं को लेकर है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर है, तो बिल्कुल फोकस के साथ यहाँ पे ड्यूटी कर सकें, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी ड्यूटी है जो आप रेगुलर छुट्टी पे नहीं जा सकते, बार बार आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि मूवमेंट भी हमारा एक टैक्टिकल होना चाहिए। तो मेरे तरफ से मैंने अपने नंबर सभी को दे के रखे, डायरेक्ट मेरे संपर्क करते हैं लोग, कमांडेंट हॉक फोर्स हैं, उनकी पूरी टीम है, वो भी कैंप्स में विज़िट करते हैं और जवानों से बात करते हैं, उनका मोराल बढ़ाते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आप ग्रामीणों में अपना विश्वास स्थापित करें, क्योंकि हमारे सबसे बड़े एसेट मुझे लगता है ग्रामीण हैं, जो शोषित हैं, जिन्हें गलत विचारधारा की तरफ प्रेरित करने का प्रयास नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है। तो हम लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग या अन्य के माध्यम से अपने जवानों को प्रेरित करते रहते हैं कि आप युवाओं के साथ कनेक्ट बनाइए, हमें प्रयास ये करना है कि हमारा किसी गांव का युवा नक्सल दल में नहीं जाके भर्ती है, उनसे आपका संवाद स्ट्रांग रहना चाहिए, उन्हें पुलिस में लाने के लिए प्रेरित करें, पुलिस के जवान हमारे हैं वहाँ पे, उन्हें बताएं कि किस तरह से पुलिस में भर्ती होती है, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग कराएं। तो इससे क्या है कि ये जो गैप है सुरक्षा बल को, यदि गाँव वाले अपने हितैषी मानना शुरू करें, अपने दोस्त मानना शुरू करें, अपने मेंटर मानना शुरू करें, तो विचारधारा में हम, मुझे लगता है हमने नक्सलियों को ऑलरेडी डिफीट करना शुरू कर दिया, ये हमारी पहली जीत रहे। बिल्कुल, इस चुनौतीपूर्ण दायित्व के बीच आप खुद के लिए कैसे समय निकालते हैं, अपनी शौक और अभिरुचियों के बारे में अगर आप बताना चाहें तो? मैं पेंटिंग, स्केचिंग और बैडमिंटन खेलता हूँ, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, समय कम मिलता है लेकिन प्रयास करता हूँ कि जब भी समय निकले तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहूँ।
परिवार के साथ समय शाम में निकालने का प्रयास करता हूँ, सुबह निकालने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि एक आईपीएस अधिकारी का परिवार धीरे धीरे कंडीशन हो जाता है इस चीज़ को लेकर के पापा ज़्यादा टाइम या ज़्यादा टाइम घर पे नहीं दे सकते, क्योंकि हमें किसी भी समय इन्फॉर्मेशन आती है तो हमें तत्काल उस समय निकलना पड़ता है। पर डेफिनेटली मेरे दोनों बच्चे और वाइफ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। मैं पिछले 3 दिन से हेडक्वार्टर में नहीं हूँ, कल शाम में आया तो भी उन्हें पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूटी जो करनी है, तो जहाँ तक संभव होता है मैं समय निकालता हूँ परिवार के लिए, बट ड्यूटी कम्स फर्स्ट, तो ड्यूटी के बाद प्रयास करता हूँ। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो सवाल इसीलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त युवाओं को ज़रूरत है मशवरे की, उन्हें ज़रूरत है मोटिवेशन की, ताकि समाज सही दिशा में आगे बढ़ सके। मैं मानता हूँ कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे उस समय का माहौल और अभी के माहौल में बहुत अंतर है। उस समय डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे, अभी मुझे लगता है जो मैं देखता हूँ सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जहाँ तक संदेश की बात आपने की, तो एक तो है सेल्फ बिलीफ, अगर आपको लगता है कि आप ये बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो उन सभी नेगेटिव विचारों को दिमाग से हटा दें जो ये कहता है कि आप नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये, आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं जो अचीव नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बात करूँ आपको, इस तरह के मुझे लगता है सैकड़ों एग्जांपल्स मिलेंगे जो बहुत ही हम्बल ग्राउंड से, बहुत ही हम्बल परिवार बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उन्होंने सफलताओं के उच्चतम मुकाम को छुआ है। तो सबसे पहली बात तो कि कुछ भी अनअचीवेबल नहीं, पहली बात। दूसरा, जैसा मैंने शुरू में बताया कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, चाहे वो आप सोचे कि यूपीएससी की तैयारी में फलाना कोचिंग के नोट्स पढ़ के कर लूँगा, असंभव असंभव। आप सोचे कि मैं न्यूज़पेपर ना पढ़ूँ और न्यूज़पेपर के नोट्स पढ़ लूँगा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बनाई है, असंभव है आपका तैयारी सक्सेसफुल होना। आपको जब आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप मेहनत का अगर सब्स्टिट्यूट खोजना शुरू करें तो आपने अपने स्पीड को, आपने अपने रास्ते को ऑलरेडी और मुश्किल बना लिया है। आप सक्सेस तक पहुंचने के रास्ते को आपने मुश्किल बना लिया है और बहुत स्ट्रांग चांस है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। बिल्कुल, बालाघाट SP समीर सौरभ, जिनकी पूरी यात्रा बेहद दिलचस्प है, एक जमे जमाए करियर को छोड़कर उन्होंने तय किया कि उन्हें UPSC की राह पर चलना है और उन्होंने कर दिखाया। लगभग 4 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया, चौथे अटैम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ फाइनली UPSC में, और आज वो बालाघाट में बतौर पुलिस अधीक्षक काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर उनके अंदर का जुझारू और ज़िद्दी व्यक्तित्व भी सामने आता है, किस तरीके का उनका कमिटमेंट है और यही डिटर्मिनेशन है जिसके कारण वो लगातार आगे बढ़ते चले गए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इस वक्त वो आदिवासियों के बीच ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं, नक्सल समस्या का सामना भी ये ज़िला कर रहा है, लिहाजा उनका ये दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। समीर सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए।